हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर पे। तो गाइस, आज मैं आपको ऑप्शंस के 3 गोल्डन रूल बताने वाला हूँ। अगर ये 3 गोल्डन रूल अगर आप मार्केट पे अप्लाई करते हैं तो कभी भी आपको ऑप्शन से लॉस नहीं होगा और ना ही आप मार्केट से बाहर होंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से ये वीडियो देखिएगा, अंत तक देखेंगे तो आप जो है ये 3 गोल्डन रूल्स आप समझ जाएंगे और आपको समझ आ जाएगा कि ऑप्शंस पे किस टाइप से काम किया जाता है, ठीक है। तो पहला हमारा गोल्डन रूल है कि आपको ऑलवेज ट्रेड करना है ऑप्शंस पे इंट्राडे। अब ये ऑप्शंस पे इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे किया जाता है और इसका क्या लॉजिक है समझते हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि अगर हम कोई सा भी प्रीमियम को अपना व्यू बनाते हैं बाइंग का, तो वहाँ हमारा ऑप्शंस पे इंट्राडे का ऑप्शंस कहाँ पे आता है। तो ये मैं सिंपली एक कॉल बाय कर रहा हूँ, ठीक है, 193 वाला, और ये मैं सिंपली बाय के ऑप्शंस को क्लिक कर रहा हूँ। और ये देखिए टॉप पे हमारे एक ऑप्शंस आ रहा है डिलीवरी और इंट्राडे का, तो यही आपको सेलेक्ट करना है इंट्राडे। अब इसका कॉन्सेप्ट आप समझिए। देखिए हम क्या है, हम एक ऑप्शंस बायर है। हम तब पैसा बनाएंगे जब मार्केट ऑन रहेगा, मार्केट चलते रहेगा, मार्केट लाइव ट्रेड करते रहेगा। और अगर हम डिलीवरी के लिए अपना पोजीशन बना दिए, डिलीवरी यानी कि होल्ड करेंगे हम, ठीक है, तो ऑप्शन सेलर जो है होल्ड पे पैसा बनाते हैं, ओवरनाइट पे पैसा बनाते हैं, और जो ऑप्शंस बायर होते हैं वो लाइव मार्केट चलते रहता है तो पैसा बनाते हैं। तो अगर आप अपना पोजीशन डिलीवरी पे ले जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना पोजीशन ओवरनाइट पे ले जा रहे हैं, और ओवरनाइट पे ले जा रहे हैं यानी कि अब आपका प्रीमियम टूटना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली आपको ट्रेड ऑप्शंस पे इंट्राडे करना है। आज खरीदो, आज बेचो, आज आपका प्रॉफिट हो रहा है ठीक, आज आपका नुकसान हो रहा है तो भी ठीक, ओवरनाइट पे ना ले जाओ, ठीक है, क्योंकि हम एक ऑप्शंस बायर है और ऑप्शन सेलर ओवरनाइट को पैसा बनाते हैं, ऑप्शंस बायर जब मार्केट ट्रेड करते रहता है तो पैसा बनाते हैं। तो ये चीज़ आपको माइंड पे सेट करके रखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम समझते हैं, दूसरा पॉइंट ये है कि आपको ऑलवेज ट्रेड करना है ITM पे, आपको ऑलवेज ट्रेड करना है इन द मनी पे, ठीक है। अब आपको नहीं पता इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए रहे, आपको हमारे चैनल से ये चीज़ें पता चल जाने वाला है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है हमारा इन द मनी। तो इन द मनी क्या होगा, ये जैसे कि हमारा ATM है तो इससे ऊपर वाला प्राइस हमारा हो जाएगा ITM, इसी को कहते हैं हम इन द मनी, और इससे नीचे वाला प्राइस हमारा OTM, आउट ऑफ द मनी। अगर आप देखेंगे हम आउट ऑफ द मनी पे आ रहे हैं, हमारे प्रीमियम का वैल्यू कम हो रहा है, देखिए 140, 94, 61, 37, और नीचे आएंगे तो और कम मिलेगा, ये देखिए 22, 14, 9, इस टाइप से। तो जितना ज़्यादा हम OTM पे आ रहे हैं उतना ज़्यादा हमारा प्रीमियम का वैल्यू कम हो रहा है, यानी कि इस प्रीमियम का वैल्यू धीरे धीरे टूट रहा है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अगर हम इस वाले प्रीमियम पे ट्रेड करेंगे तो ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे टूट करके जीरो हो जाना है। तो क्यों हम अपना नुकसान करें जानते हुए भी। तो आपको ट्रेड करना है ITM पे, ये आपका ITM, अगर आप ITM पे जाएंगे तो आपका प्रीमियम का वैल्यू बढ़ते जाता है। तो अगर आपका व्यू ये है कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है तो आप कॉल बाय करेंगे और इन द मनी पे ट्रेड करेंगे, और अगर आपका व्यू ये है कि मार्केट नीचे गिरना चाहता है तो आप पुट बाय करेंगे और पुट बाय के साइड का इन द मनी पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए रहें, आपको ये चीज़ें पता चल जाएगा। थर्ड पॉइंट होता है कि आपको ऑलवेज ट्रेड करना है हाई डेल्टा वाले प्रीमियम के। अब ये हाई डेल्टा होता क्या है, तो देखिए इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा लॉजिक है। अब जितना ज़्यादा इन द मनी पे जाएंगे उतना ज़्यादा आपका डेल्टा का वैल्यू बढ़ते जाएगा। ये डेल्टा का क्या काम होता है ये थोड़ा सा समझिए। डेल्टा हमको ये बताता है कि अगर हम एक पर्टिकुलर प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें अगर हमारा इंडेक्स एक रुपया ऊपर जाता है तो हमारा प्रीमियम का वैल्यू कितना ऊपर जाएगा। अगर हमारा निफ्टी 50 में हम ट्रेड कर रहे हैं मान लेते हैं, ठीक है, और ये एक रुपया ऊपर जा रहा है तो हमारा प्रीमियम कितना ऊपर जाएगा। अगर ये प्रॉपर हमको पता चल गया तो हम अपना परफेक्ट प्लेस पे अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं, सही जगह हम एंट्री कर सकते हैं और सही जगह हम अपना टारगेट ऑर्डर लगा सकते हैं। तो बेसिकली डेल्टा के थ्रू आपको क्या पता चलता है, डेल्टा के थ्रू आपको एक सही प्रीमियम पता चलता है और आपको उस प्रीमियम का वैल्यू पता चलता है, और आपको ये भी पता चलता है कि इस पर्टिकुलर प्रीमियम जो है कितना ऊपर जा सकता है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक और हिंट दे देता हूँ, आपका ATM पे डेल्टा का वैल्यू होता है 0.5 पैसा, OTM पे आपका डेल्टा का वैल्यू होता है 0.1 to 0.4 पैसा,
और आपका इन द मनी पे आपका डेल्टा का वैल्यू होता है 0.62, 0.95 पैसा, ठीक है। तो अब इसका मतलब आप समझिए, अगर हमारा निफ्टी 50 का प्राइस एक रुपया ऊपर जा रहा है तो हमारा इन द मनी का प्रीमियम जो है 0.6 पैसा से 0.95 पैसा ऊपर जाएगा, ठीक है। अब देखिए, हमको पता चल गया कि हमारा प्रीमियम कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे गिरेगा, तो हम उसके हिसाब से अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर और टारगेट ऑर्डर लगा सकते हैं। काफ़ी आसान है, और लेकिन इतना भी आसान नहीं है, आपको हमारे वीडियोस देखना पड़ेगा तब आपको आसान लगने लगेगा, ठीक है। दूसरा है हमारा ATM। ATM का हमारा वैल्यू देखिए 0.5 पैसा होता है। तो अगर आपका निफ्टी 50 का प्राइस या आपका इंडेक्स एक रुपया ऊपर जाएगा तो आपका एट द मनी का प्रीमियम जो है 0.5 पैसा ऊपर जाएगा, ठीक है। और OTMP यानी कि आउट ऑफ द मनी का जो प्रीमियम है 0.1 to 0.4 पैसा ऊपर जाएगा। अब यानी कि आप समझ सकते हैं, आपका निफ्टी 50 या इंडेक्स का वैल्यू एक रुपये ऊपर जाएगा तो आपका OTM यानी कि आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम 0.1 पैसा ऊपर जाएगा। तो अगर 10 रुपये ऊपर गया तो आपका प्रीमियम एक रुपये सिर्फ ऊपर जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको ऑलवेज ट्रेड करना होता है इन द मनी पे, या करना चाहिए आपको, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको ऑप्शन चेन के बारे में डिटेल्स पे बताऊंगा, ग्रो ऐप का ऑप्शन चेन के बारे में बताऊंगा, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगा। तो अब हम चलिए देख लेते हैं कि किसी भी प्रीमियम को कैसे बाय और सेल करना होता है, ठीक है। तो हम सिंपली एक प्रीमियम को अपना व्यू बनाना चाहते हैं बाइंग का, तो ये मैंने क्लिक कर दिया है ना एक प्रीमियम। अब मैं सिंपली अपना व्यू बनाना चाहता हूँ बाइंग का, तो ये देखिए डिलीवरी और इंटरडे का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इंटरडे सेलेक्ट कर दिया। और ऊपर पे हमारा एक लॉट ही मैं बाय करना चाहता हूँ, चलिए मैं 2 लॉट बाय कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं जो है मार्केट ऑर्डर पे ही अपना व्यू बनाना चाहता हूँ। अब मैं सिंपली बाय के ऑप्शंस को क्लिक कर दूंगा, ठीक है। एक बार देख सकते हैं ऊपर पे मैंने क्या रखा, ऊपर पे मैंने इंट्राडे रखा, 2 लॉट मैं बाय कर रहा हूँ, मैं मार्केट ऑर्डर पे बाय कर रहा हूँ, और सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ बाय के ऑप्शंस को क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा ऑर्डर जो मार्केट पे प्लेस हो गया, ये देखिए डैशबोर्ड पे मेरा प्रॉफिट नुकसान चलना शुरू हो गया। मैंने कौन से प्राइस पे अपना व्यू बनाया बाइंग का, 9 रुपया 15 पैसे के रेंज पे अपना व्यू बनाया बाइंग का। तो अगर मेरा प्राइस इसके ऊपर रहा 9 रुपया 15 पैसे से तो मुझे प्रॉफिट होगा, और अगर मेरा प्राइस इसके नीचे रहा तो मुझे नुकसान होगा। तो इस टाइप से आपको व्यू बनाना होता है अपना बाइंग का। अब मैं चाहता हूँ कि ठीक है, मुझे सफिशियंट प्रॉफिट मिल गया, अब मुझे यहाँ से एग्जिट होना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली जो मेरा ऑर्डर चलते रहेगा उसी को मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं आ जाऊँगा एग्जिट के ऑप्शन पे। एग्जिट के ऑप्शन पे आने के बाद इधर मैं कुछ भी नहीं करूंगा, सिंपली सेल के ऑप्शंस को क्लिक कर दूंगा। सेल के ऑप्शंस को क्लिक करने के बाद मैं मार्केट से बाहर हो जाऊंगा, और यहां मैं चेक करता हूं तो देखिए मेरा 7 रुपये 50 पैसे का नुकसान हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से आपको तुरंत तुरंत प्रॉफिट नुकसान हो जाएगा, और इस टाइप से आपको एग्जिट हो जाना है, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है गाइस ऑप्शंस का, और ये 3 गोल्डन रूल आपको याद रखना है। और मैं इसी टाइप से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूं, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलिए गाइस, बाय, नए वीडियो पे मिलते हैं जल्दी।